हिसार के हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय और महावीर स्टेडियम के मुख्य द्वार के सामने राहगीरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह आयोजन पुलिस विभाग द्वारा काफी समय से किया जाता रहा है और उसी कड़ी में आज स्कूली छात्र छात्राओं और आम शहरी ने रंगारंग प्रस्तुतियों का जमकर लुत्फ उठाया। प्रसिद्ध हरियाणवी गायक दिलेर खरकिया, हरियाणवी कलाकार अनामिका बावा और मशहूर कवित्री संतोष कोकलिया समेत जाने माने कलाकारों ने अपनी कला के माध्यम से स्थानीय निवासियों पर जमकर मनोरंजन किया और कार्यक्रम में समा बांधा। हरियाणवी गीतों पर उपस्थित जन समूह झूमता हुआ नजर आया। हमेशा की तरह इस बार भी एक विशेष संदेश को लेकर यह कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें जल बचाओ और सुरक्षित सफर को लेकर मुख्य उद्देश्य रखा गया था। इससे पहले ड्रग फ्री इंडिया और जल बचाओ को लेकर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन हिसार में किया जा चुका है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। कार्यक्रम में शामिल हुए नन्हे मुन्ने बच्चों ने बताया कि वे निरंतर इस कार्यक्रम में आते रहते हैं और यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इन बच्चों ने बताया कि उन्होंने भी आज के कार्यक्रम के विभिन्न विधाओं में भाग लिया था और उनको इस तरीके से यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है। तेरे गेला है मजा आ रहा है कि बेटा तेरी नजर पा रही होगी ना इज्जा है मेरी नजर पा रहा होगी ना पास से देखा जाएगा। बेटा कैसा लगा यहाँ इस कार्यक्रम में आके? अच्छा। तो क्या कुछ सीखने को मिला, क्या चीजें अच्छी लगी? मेरे को एक चीज बड़ी अच्छी लगी, डांस। तो आपने भी पार्टिसिपेट किया? यस। तो किस उसमें आपने पार्टिसिपेट किया? डांस घूमर में। घूमर में कौन से गीत पे आपने? कौन सा गीत आपका था? घूमर। घूमर था आपका। तो कौन से स्कूल से हैं? युवर्स रोज वेल स्कूल। हम हमेशा रागिरी में आते हैं, हम लक्ष्य पब्लिक स्कूल से आए और हम हमेशा आते रागिरी में और हमें बहुत अच्छा लगता है। तो आपने भी इसमें परफॉर्म किया था? हाँ। किस गीत पे किया था आपने? ओला काटूंगी। तो क्या चीजें आपको ज्यादा अच्छी लगती है, क्या सीखने को है? आगे बढ़ना बोलिए। इस कार्यक्रम में आप आए हैं, किस तरीके का क्या था, क्या सीखने को आपको मिला, क्या? इसमें सबसे बड़ी सीखने वाली बात ये है कि छुट्टी वाले दिन एक अच्छा दिन गुजरता है और सभी को सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि एक दिन की शुरुआत अच्छी होती है और एक ऐसा माहौल मिलता है जहां हम हमारी मर्जी की कोई भी इवेंट कर सकते हैं। कोई स्टेज परफॉर्मेंस करना चाहता है तो स्टेज परफॉर्मेंस कर सकता है, अगर कोई डांस करना चाहता है या एक्टिंग करना चाहता है, कोई चुटकुले सुनाना चाहता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट स्टेज मिल जाती है। वैसे आप देखते हैं आजकल के टाइम पर कोई भी स्टेज परफॉर्मेंस इतनी नहीं होती जिसमें कि हर किसी को जाने के बाद अपना टैलेंट दिखा सकें। यहाँ आपने देखा होगा काफ़ी बच्चे बिना इनविटेशन के ऊपर जाके अपनी परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, काफ़ी खूबसूरत परफॉर्मेंस थी। यहाँ स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी होती है, सेल्फ डिफेंस की एक्टिविटी होती है और बाकायदा स्कूल के बच्चों को एक स्टेज मिल जाती है परमानेंट और हरियाणा सरकार की तरफ से ये एक बहुत ही अच्छी पहल है जिससे कि बच्चों को और स्कूल वालों को एक जगह इकट्ठा होने का मौका मिलता है और अलग अलग स्कूलों का अनुभव या टैलेंट भी देखने को मिलता है। तो नीरज वर्मा, लक्ष्य पब्लिक स्कूल। आज स्पेशली तीज के त्यौहार को लेकर के ये राहगीरी का प्रोग्राम आयोजित किया गया था। ये कोई स्पेशल दिन निर्धारित किया गया था क्योंकि इस दिन आज के दिन तीज है। वैसे तो हमारा हर रविवार, सेकंड रविवार और फोर्थ रविवार की जो राहगीरी का प्रोग्राम निश्चित है, तो ये तीज को लेकर के पुलिस अधीक्षक महोदय श्री शिवचरण आईपीएस ने ये निर्धारित किया था कि तीज के दिन ही रागरी की जाए। आज के कार्यक्रम का जो थीम हमेशा रखा जाता है, क्या थीम आज आज का थीम? वैसे तो मैं बताऊं तीज के त्यौहार को लेकर के था, लेकिन जल संरक्षण और ट्रैफिक अवेयरनेस ये भी दो अलग से पहलू थे जिनको लेकर के ये आज की रागरी आयोजित की गई है। समय समय पर इस तरीके के कार्यक्रम होते रहते हैं, आगामी जो कार्यक्रम है वो किस तरीके से होगा या चर्चा जो चली थी कि इसको ग्लोबल लेवल तक भी आयोजित करने के प्रयास? अभी प्रयास है हमारा, हम लोग बरवाला, उकलाणा और आदमपुर और अग्रोहा इन सब डिवीज़न को लेकर भी हमारी प्लानिंग चल रही है। जैसा कि पुलिस अधीक्षक महोदय ने कहा था कि हम इस राहगीरी को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, तो उसी के चलते हम आगे सब डिवीज़न लेवल पर भी ये प्रोग्राम आयोजित करेंगे। शुक्रिया। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।